Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के त्रिदिवसीय जन्म जयंती महामहोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज केसरगंज जैन मंदिर में वहद शांति विधान का आयोजन किया गया, जिसके तहत शांति धारा में सभी संसार के जितने भी कोरोना वायरस से पीड़ित जो इंसान हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी शांति के लिए, और जो वर्तमान में कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और पूरे संसार के अंदर जो इसका भय व्याप्त है उसके लिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने यह आह्वान किया था कि जैन समाज के जितने भी लोग हैं वे अपने अपने मंदिरों में शांति धारा का आयोजन करें, जिसमें विश्व मंगल की कामना के साथ सभी प्राणियों का, चाहे वो त्रियंश हों चाहे वो मनुष्य हों, उन सभी के लिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उनके लिए और आगे किसी को भी इस तरह की महामारी नहीं फैले उसके लिए वहद शांति धारा में मंत्रों के जाप के माध्यम से हमने यहाँ आज शांति धारा की, जिसमें सभी के मंगल की कामना की। उसके पश्चात आदिनाथ भगवान की रथ यात्रा निकली, जिसकी रथ यात्रा में हमने प्रत्येक हमारे जो महिला पुरुष बच्चे हैं उनसे एक एक हाथ के फासले के साथ यह शोभा यात्रा, चूँकि सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए और जो भी चलेगा वो एक मीटर का फासला लेकर चलेगा, इसके साथ ही जो हमारा सामूहिक भोज का कार्यक्रम था जो प्रत्येक वर्ष लाल कोठी के अंदर हम प्रवचन करते थे, सार्वजनिक सभा करते थे, उसको हमने स्थगित किया और उस सभा को हमने मंदिर के अंदर ही कलशाभिषेक के माध्यम से मंदिर में जो शुद्धि का वातावरण है वहाँ पर हमने ये कार्यक्रम रखा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा। और जो सामूहिक वात्सल्य भोज का कार्यक्रम था समाज के बंधुओं का और अजैन बंधुओं का भी, उन सबके वात्सल्य भोज का जो कार्यक्रम था वो हमने सरकार और हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से हमने उस कार्यक्रम को अपना स्थगित किया। और जो सामग्री आई थी वो हमने जो यहाँ अनाथालय हैं अनाथ बच्चे हैं उनके लिए वो सामग्री हमने वहाँ पहुँचाई और इस बात का हमने विशेष ध्यान रखा कि कोई किसी को भी स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्री विनीत कुमार जैन, मंत्री 1008 पार्षद दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी केसरगंज अजमेर।